गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, चैप्टर 5 लाइफ इन द नॉर्दर्न प्लेन्स। हमारा एसएसटी में फिफ्थ चैप्टर चल रहा है लाइफ इन द नॉर्दर्न प्लेन्स। ये आज की वर्ड मीनिंग्स हैं। तो फर्स्ट मीनिंग है मॉन्यूमेंट, MONUMENT। मॉन्यूमेंट मीन्स होता है स्मारक। सेकेंड है स्टेपल, STAPLE। स्टेपल मीन्स मुख्य। थर्ड जनरली, GENERALLY। जनरली मीन्स आमतौर पर या खास तौर पर। नेक्स्ट है फ्लो, FLOW। फ्लो मीन्स बहना। एग्रीकल्चर, AGRICULTURE। एग्रीकल्चर मीन्स कृषि। प्लांटेशन, PLANTATION। प्लांटेशन मीन्स होती है बागान। प्रोडक्शन, PRODUCTION। प्रोडक्शन मीन्स उत्पादन। फर्टिलाइजर, FERTILISER। फर्टिलाइजर मीन्स उर्वरक। प्रोसेसिंग, PROCESSING। प्रोसेसिंग मीन्स होता है प्रसंस्करण या प्रौद्योगिकी। नेक्स्ट है अकाउंटिंग, ACCOUNTING। अकाउंटिंग मीन्स होता है लेखांकन करना। ओके स्टूडेंट, तो देखिए कितने कम मीनिंग्स हैं और आपके जनरली बार बार रिपीट भी हो रहे हैं, तो आपको बहुत अच्छे ढंग से याद हो गया होगा ये सारे वर्ड मीनिंग्स। तो आपके जो भी वर्ड मीनिंग्स अलग हैं, आपने डिफरेंट हैं, आप उन्हें अपनी बुक में रेगुलर फॉलो करेंगे उतार के। ओके, और जितने वर्ड मीनिंग्स हमारे बन रहे हैं उनको आप रेगुलर लर्न भी करते जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, हमने यहाँ तक इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रीज तक पढ़ लिया था। आप सबको पता है वेस्ट बंगाल स्टेट हम पढ़ रहे थे और उसकी कैपिटल क्या थी? कोलकाता। आज हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं इम्पोर्टेंट प्लेसेस। फोर्ट विलियम एंड विक्टोरिया मेमोरियल आर सम ऑफ द मॉन्यूमेंट्स ऑफ टूरिस्ट इंटरेस्ट इन वेस्ट बंगाल। फोर्ट यानी जो किला विलियम का है और विक्टोरिया मेमोरियल स्थान है। सम ऑफ द मॉन्यूमेंट, ये कुछ मुख्य मॉन्यूमेंट्स हैं, स्मारक हैं टूरिस्ट इंटरेस्ट के। टूर यानी जो पर्यटकों की रुचि रखती रहती है उसमें, तो वेस्ट बंगाल के मुख्य टूरिस्ट बने हुए स्मारक बने हुए हैं। द हावड़ा ब्रिज और दक्षिणेश्वर टेम्पल कॉम्प्लेक्स, बेलूर मठ एंड शांति निकेतन आर द अदर इम्पोर्टेंट प्लेसेस इन वेस्ट बंगाल। द हावड़ा ब्रिज, एक हावड़ा ब्रिज है यहाँ पे, और दक्षिणेश्वर टेम्पल कॉम्प्लेक्स है, बेलूर मठ है एंड शांति निकेतन जो है वो अन्य महत्वपूर्ण स्थान है वेस्ट बंगाल के। आगे है कल्चर, राइस एंड फिश आर द स्टेपल फूड ऑफ द पीपल हियर। तो यहाँ की कल्चर जो हम पढ़ने जा रहे हैं, संस्कृति, उसमें क्या आ रहा है हमारे कि यहाँ के लोगों को क्या मुख्य भोजन है, क्या पसंद है यहाँ के। तो राइस एंड फिश, चावल और मछली जो है स्टेपल फूड है। स्टेपल यानी खास भोजन है या मुख्य भोजन है यहाँ के लोगों का। दे लव टू ईट स्वीट्स, वे मिठाइयाँ भी खाना पसंद करते हैं, और बंगाली स्वीट्स लाइक रसगुल्ला एंड संदेश आर पॉपुलर ऑल ओवर इंडिया। बंगाली जो मिठाई है ना, जैसे रसगुल्ला है और संदेश है, वो प्रसिद्ध है पूरे भारत में ना। अधिकतर अपने यहाँ पे भी रसगुल्ला और संदेश मिलते हैं, तो ये पूरे भारत में फेमस है। नेक्स्ट क्या है? ड्रेसेस, यहाँ की ड्रेस क्या है? जनरली मैन इन वेस्ट बंगाल वियर धोती एंड कुर्ता, वाइल वीमन वियर साड़ीज। अधिकतर क्या होता है, खासतौर पे या आमतौर पर मैन इन वेस्ट बंगाल जो आदमी होते हैं ना पश्चिम बंगाल के, वो वियर करते हैं यानी पहनते हैं, धोती पहनते हैं एंड कुर्ता भी पहनते हैं। वाइल वुमेन वियर साड़ी, और जबकि औरतें क्या पहनती है? साड़ी पहनती है। ओके ओके, तो नेक्स्ट स्टेट कौन सी आ रही है हमारी? आसाम, ठीक है ना। तो आपने कितनी स्टेट्स को हमारी पढ़ी, सभी को याद होगा, तो इनको आपको याद रखना है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल हम पढ़ चुके हैं। अब हमारी नई स्टेट कौन सी स्टार्ट हो रही है? आसाम हो रही है। तो आसाम इज द लार्जेस्ट स्टेट इन द नॉर्थ ईस्ट। आसाम जो है सबसे बड़ी स्टेट है, किधर की साइड की, मतलब कहाँ है ये? नॉर्थ ईस्ट में है। द कैपिटल ऑफ आसाम इज दिसपुर, और कैपिटल क्या है इसकी आसाम की? दिसपुर है। तो कि देखिए स्टूडेंट, इस लेसन के साथ साथ हमें कितनी अच्छी बातें भी मिल रही है कि इसमें हमें स्टेट एंड उसकी कैपिटल्स भी लर्न हो रही है। तो अगर आप बिल्कुल अच्छे ढंग से इसको रीड कर रहे हैं और बार बार इसको रिपीट कर रहे होंगे, तो आपको ये
इनकी कैपिटल्स भी याद हो रही होगी. तो असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर है. ऑक्यूपेशन, रिवर ब्रह्मपुत्र एंटर्स इंडिया फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश एंड फ्लोज थ्रू आसाम मेकिंग इट फर्टाइल. रिवर ब्रह्मपुत्र एंटर्स करती है यानी प्रवेश करती है इंडिया भारत में फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश. कहाँ से करती है एंटर? अरुणाचल प्रदेश से. एंड फ्लो और बहती है थ्रू जरिए आसाम के जरिए मेकिंग इट फर्टाइल और क्या बनाती है इसको? उपजाऊ बनाती है. एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द स्टेट और यहाँ का मुख्य व्यवसाय क्या है? खेती है. पीपल ग्रो राइस वीट जूट सुगर केन एंड पोटेटो. लोग बाग क्या उगाते हैं यहाँ पे? चावल उगाते हैं, गेहूँ, जूट, गन्ना और आलू को बहुत ज़्यादा उगाते हैं यहाँ पे. आसाम इज आल्सो नॉन एज द लैंड ऑफ टी गार्डन्स एज देर आर ओवर 850 टी प्लांटेशन अकाउंटिंग फॉर अबाउट 50% ऑफ इंडियाज टी प्रोडक्शन. आसाम इज आल्सो नॉन, आसाम भी जाना जाता है, किस नाम से भी जाना जाता है? लैंड ऑफ टी गार्डन्स यानी चाय के बागान की जमीन के रूप में भी जाना जाता है या चाय के बागों के रूप में भी जाना जाता है. एज देयर आर ओवर और वहाँ पे करीब 850 टी प्लांटेशन है यानी 850 टी बागान है वहाँ पे अकाउंटिंग फॉर अबाउट 50% ऑफ टी इंडियाज टी प्रोडक्शन. यदि हम देखें भारत के चाय के उत्पादन को देखें तो करीब 50% जो होता है अगर उसका मूल्यांकन करें लेखांकन करते हैं तो करीब 50% जो होता है वो इन भारत के चाय का प्रोडक्शन होता है यहाँ पे. ओके, देर आर मैनी इंडस्ट्रीज इन आसाम लाइक ऑल रिफाइनरीज एट डिगबॉय और पेट्रोकेमिकल्स एंड फर्टिलाइजर एट नमरम्प एंड केमिकल फैक्ट्रीज एट गुवाहाटी. देर आर मैनी इंडस्ट्रीज इन आसाम, वहाँ पे बहुत सारे उद्योग हैं आसाम में. कैसे हैं? जैसे कि ऑयल रिफाइनरी वाली भी है जिसे जो है डिगबॉई में है और पेट्रोकेमिकल्स एंड फर्टिलाइज़र का है वो नमरम्प पे है एंड केमिकल्स फैक्ट्रीज भी है हमारी रासायनिक जो फैक्ट्रीज बनी हुई है वो गुवाहाटी में है. ओके, तो गुवाहाटी में है. एंड सम अदर इंडस्ट्रीज इंक्लूड सुगर मिल्स जूट मिल्स एंड सिल्क प्रोसेसिंग फैक्ट्रीज. कुछ अन्य उद्योग भी हैं जिसमें शामिल क्या है? शुगर की मिलें हैं, जूट की भी मिल है और सिल्क का प्रोसेसिंग फैक्ट्री भी है यानी सिल्क प्रसंस्करण फैक्ट्री भी वहाँ पे शामिल है. तो ये सारे जो भी हैं इंडस्ट्रीज हैं वो कहाँ पे हैं? आसाम में है. तो ओके स्टूडेंट, तो ये आपको आसाम वाली स्टेट को लर्न करना. तो नेक्स्ट क्या है आसाम स्टेट में? टूरिस्ट प्लेसेस. इसके जो घूमने वाले स्थान हैं वो कौन कौन से हैं? द प्लेसेस ऑफ टूरिस्ट इंटरेस्ट इन आसाम इंक्लूड द कामाख्या टेम्पल एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ऑफ मानस फॉर टाइगर्स एंड काजीरंगा फॉर वन हॉर्न राइनो. द प्लेसेस ऑफ टूरिस्ट इंटरेस्ट और भी स्थान हैं जो टूरिस्ट के लिए रुचि वाले हैं आसाम में, जिसमें शामिल किया गया है कामाख्या टेम्पल को किया गया है और जंगली जीवन की सेंचुरीज अभ्यारण भी बने हुए हैं ऑफ मानस. मानस में के लिए किसके लिए है? टाइगर के लिए. एंड काजीरंगा है जो किसके लिए है? एक सींग वाला राइनो यानी क्या है जो गेंडा होता है उसके लिए भी है. तो राइनो के लिए भी है. ओके, वन हॉर्न राइनो के लिए भी है. तो कौन सा है? काजीरंगा. कल्चर, द पीपल ऑफ आसाम ईट राइस फिश चपाती एंड वेजिटेबल्स. जो आसाम के लोग होते हैं वो चावल खाते हैं, मछली खाते हैं, चपाती खाते हैं और सब्जियां भी लेते हैं. ये सब वो ज़्यादा पसंद करते हैं अपने खाने के अंदर. मैन जनरली वियर धोती एंड शर्ट वाइल वीमन वियर मेखला चादर. ज़्यादा आदमी क्या पहनते हैं? धोती और शर्ट पहनते हैं, जबकि औरतें क्या पहनती हैं? मेखला एंड चादर पहनती है ना. तो ये उनकी ड्रेस होती है. बिहू इज द पॉपुलर डांस ऑफ द स्टेट और बिहू है ना वो यहाँ का प्रसिद्ध डांस है स्टेट का. ओके, तो स्टूडेंट्स आज हमने आसाम को पूरा कंप्लीट किया है. तो आपको याद रखना है कि आसाम में क्या है? कामाख्या टेम्पल भी है और सेंचुरीज है जो मानस में है जो किसके लिए फेमस है? टाइगर के लिए. और कांजीरंगा है जो कि वन हॉर्न राइनो के लिए फेमस है. ओके, और यहाँ के लोग वही चीज़ें खाते जैसे राइस ई फिश चपाती एंड वेजिटेबल्स को भी पसंद करते हैं.
और ज्यादातर आदमी क्या पहनते हैं, धोती एंड शर्ट पहनते हैं, जबकि औरतें जो है मेखला एंड चादर पहनती है। और बिहू जो है वो यहाँ का क्या है, पॉपुलर डांस है। ओके स्टूडेंट, तो आपको जो इसको पूरी तरह से यहाँ तक स्टेट्स को लर्न कर लेना है कम्प्लीटली, उसकी कैपिटल्स और उनके बारे में जो मुख्य टूरिस्ट प्लेसेस है उनको सभी को। ओके एंड थैंक यू।